जैन दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग इसमें। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर। दोस्तों यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है, यह 100% रियल पेपर है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर के यहाँ पर पूर्णांक होने वाला है 80 नंबर के। ये पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है और दोस्तों इस पेपर के यहाँ पर समय होने वाला 2 घंटे 30 मिनट का। ये पेपर आपकी परीक्षा में होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए। सबसे पहले तो आपको इन निर्देश को ध्यान में पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 5 निर्देश दिए गए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इन 5 निर्देश को आप ध्यान में पढ़ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पहला क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों पहले क्वेश्चन आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर पहला सही विकल्प दिया है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दोस्तों किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, तो चारों में से आपको राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही विकल्प दिया है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री है। दोस्तों अर्थशास्त्री कौन है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो चारों में से आपको फटाफट राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही विकल्प दिया है, संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन में संभावना वृक्ष के किस ओर पाया जाता है। दोस्तों किस ओर पाया जाता है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, तो चारों में से आपको राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प दिया है, बजट रेखा को कितने अंदिमान वृक्ष स्पर्श करते हुए हो सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, तो चारों में से आपको राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 5वां यहाँ पर सही विकल्प दिया है, उत्पादन के साधन होते हैं। दोस्तों उत्पादन के साधन कौन होते हैं, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, तो चारों में से आपको राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है, जिससे दोस्तों आपके यहाँ पर सही विकल्प यहाँ 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर 5 खाली स्थान दिए गए, तो 5ों खाली स्थान के आंसर आपको फटा दोस्तों आपकी बुक से लगा लेना है और याद कर लेना, जिससे दोस्तों आपके यहाँ खाली स्थान के 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य का चयन करके आपको लिखना है। दोस्तों यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए, तो 5ों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तो इसमें आपको सत्य और असत्य का चयन करके लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो सत्य और असत्य का चयन करके लिखना है। जो सत्य है दोस्तों उसके सामने आपको सत्य लिखना है, जो असत्य है दोस्तों उसके सामने आपको यहाँ पर असत्य लिखना है, जिससे दोस्तों आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपका यहां पर अगला क्वेश्चन आने वाला, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए, तो 5 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक वाक्य में इनके उत्तर लिखना है, जिससे दोस्तों आपके यहाँ पर 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान कर लेना है, ठीक है, जिससे दोस्तों आपके यहाँ पर 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों यही पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आने वाला दोस्तों, यहाँ पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर आता क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है, जिससे दोस्तों आपके यहाँ पर 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आपको यहाँ पर आता क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, जिससे दोस्तों आपके यहाँ पर 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों आपको यहाँ पर अर्थों क्वेश्चन दिया, तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, जिससे दोस्तों आपके यहाँ पर 2 नंबर का यहाँ पर कंप्लीट जाएंगे। और दोस्तों इनके आंसर आपको, ठीक है, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाला आपकी परीक्षा में, इनके आंसर आपको दोस्तों 30 शब्दों में इनके उत्तर आपको परीक्षा में लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों आपके यहाँ पर अर्थों क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 12 क्वेश्चन दिया, तो 12 क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर, 13 क्वेश्चन पर। दो 13 क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर 14 क्वेश्चन देख लिया, 14 क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन दिया, तो आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद दोस्तों इनके आंसर आपको आपकी बुक से लगा कर और याद करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लिए, 16 क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 17 क्वेश्चन देख लिया, 17 क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन दिया है, तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। ये दो दो नंबर क्वेश्चन आने वाला आपकी परीक्षा में। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपकी यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया, तो 18 क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लिए, 19 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 20 क्वेश्चन दिया, तो 20 क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 21 क्वेश्चन दिया है, 21 क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर ऑटो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 22 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 22 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर समग्र माप, मांग तथा समग्र पूर्ति में अंतर लिखना है, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसके अतवाल क्वेश्चन को भी याद कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 23 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 24 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है। यहाँ पर 25 क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जिन जाल से आप क्या समझते हैं, या फिर दोस्तों इसका अतवाल क्वेश्चन आपको दिया है, प्रत्यक्ष कर को समझाइए। अब दोस्तों हमारे इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों 26 क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर अतो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बजट के उद्देश्य को लिखिए, या फिर दोस्तों आपके इसके अतवाल क्वेश्चन भी दिया है, बजट का अर्थ एवं इसकी तीन विशेषता लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। दोस्तों इस पेपर को आप अच्छे से लगा लीजिए, जिससे दोस्तों आप परीक्षा में 80 में से 80 नंबर लेकर आ जाइए। और दोस्तों आपको इस पेपर का पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसके साथ ही आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, तो जल्दी जाइए और ज्वाइन हो जाइए। यदि दोस्तों आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन वीडियो चाहिए, तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।